Good morning, all of you. How are you all? Fine, very good. So today we are learn the my country. You know that which country do you live? आप कौन से कंट्री में रहते हो? Yes, we live in India. और ये क्या है हमारा? India का map. This is my India. So in India there are many states. Which state do you live? Yes, Maharashtra. आप कौन से state में रहते हो? Maharashtra. And what is the capital of Maharashtra? Okay. Which state do you live? Maharashtra. And what is the capital of Maharashtra? Mumbai. And what is the capital of India? India का capital क्या है? कौन सा है? Tell me. आपने GK के question में देखा था ना? Yes, Delhi. कौन सा capital है? Yes, Delhi कहाँ पे है? यहाँ पे. What is the capital of India? दिल्ली. दिस इज द हार्ट ऑफ द इंडिया. क्या है हार्ट ऑफ द इंडिया? क्या है? दिल्ली. सो ये जो है हमारा इंडिया है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ओके, दैट इज जो है उसमें से कुछ जो है मैं थिंग्स बता रही हूँ. दे आर रिप्रेजेंटेड आर इंडिया. इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू थिंग्स That represent our India. India को जो है कुछ जो चीजें होती है वो रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि this is our national flag. ये क्या है हमारा? National flag. There are three colors. Actually there are four colors. First is orange, white and then green. और जो बीच में है वो होता है हमारा अशोक चक्र. बीच में क्या होगा? अशोक चक्र. So this is our National flag. And now this is our national bird. कौन सा है हमारा national bird? Yes, peacock is our national bird. Peacock is our national bird. Very good. Now next is national aquatic animal. Aquatic means पानी में रहने वाला जो है national animal कौन सा है हमारा? Yes, dolphin is our National aquatic animal. Then national animal. Which is our national animal? Yes, tiger is our national animal. Tiger is our national animal. And do you know children, which flower is our national flower? Yes, lotus is our national flower. Lotus is our national flower. And all of you know that which fruit is our national fruit? सबको पसंद है जो समर में आता है. Yes, mango is our national fruit. Mango is our national fruit. And do you know children which national anthem हमारा national anthem कौन सा है? हम जो है सब assembly में जो है last में बोलते हैं. Yes, Jana Gana Mana. जन गण मन इज आर नेशनल एंथम. ओके, ये किसने सिंग किया था? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. ये जो है फ्यू थिंग्स है जो कि हमारे जो इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो वैसे जो है हमारे पूरे कंट्री में, इंडिया के जो कंट्री में जो है, देर आर सो मेनी रिलीजन्स. अलग अलग जो है रिलीजन्स होते हैं और वो रिलीजन जो है कल्चर जो होते हैं वो अलग अलग जो है भाषा बोलते हैं. तो टेल मी विच, व्हाट इज द लैंग्वेज यू स्पीक एट होम? आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो घर में? ओके, हिंदी और मराठी में हम जो है वी आर महाराष्ट्रियन. सो वी आर मोस्टली वी आर टॉकिंग इन मराठी. और कुछ घर में जो है हम हिंदी में भी बात करते हैं. सो इंडिया की जो लैंग्वेज है यानी नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी वो हिंदी है. सो उसी तरह से जो है अलग अलग जो स्टेट होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की जो है लैंग्वेज होती है मराठी, तो वैसे ही अलग अलग जो है स्टेट के जो है अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है लावणी फेमस है, उसी तरह से
अलग स्टेट में अलग अलग जगहों के भी जो है अलग अलग डांसेस जो है वो फेमस है, अलग अलग फूड भी फेमस है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से स्टेट होते हैं। ओके, सो लुक एट दिस, यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट होते हैं। दिस इज आर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेबर कौन है हमारा? गुजरात। गुजरात में जो है दांडिया वगैरह जो होती है ना वो होता है। देन नीचे है कर्नाटका। ओके, देन सबसे नीचे है केरला। केरला में जो है अलग अलग प्रकार की जो है फूड होते हैं, सी फूड वहां का जो है बहुत फेमस है। देन ऊपर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द क्राउन ऑफ आर इंडिया। इंडिया का जो है ये क्राउन है, ताज होता है जम्मू कश्मीर। देन यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। देन उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम। आसाम का जो फोक डांस है वो भी बहुत फेमस है। देन वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा। ओडिशा का जो है जो डांस है उड़ीसी नृत्य कहते हैं उसे, वो भी बहुत फेमस है। देन तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत सारे स्टेट है इंडिया में। ओके, तो ये इंडिया के जो अलग अलग स्टेट है वो अलग अलग फूड, अलग अलग कल्चर, उसके लिए जो है सारे फेमस है। सो हमने आज क्या सीखा? माय कंट्री, विच इज योर कंट्री? इंडिया। इंडिया इज माय कंट्री। आज आप प्लेज में भी बोलते हो ना, तो इंडिया इज योर कंट्री। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। तो ये सारे आपको जो है लर्न करने हैं, जो वर्कशीट आपको दी जाएगी वो भी सॉल्व करनी है। ओके, नेक्स्ट सेशन मिलता है। बाय बाय।